subscribe to our channel and hit the bell icon ताकि आपको regularly educational updates मिलते रहें. Hello everybody, welcome back to my channel Education Panacea. My name is Bhanu Pratap. So, आज हम पेमेंट ऑफ वेजेस का पार्ट 2 लेके आए हैं, जिसमें हम सेक्शन 7 से ऊपर सबसे पहले डिस्कशन करेंगे. जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इस वीडियो में मैं आपके साथ डिडक्शंस डिस्कस करूंगा, तो जरा सेक्शन 7 देखते हैं. डिडक्शंस का मतलब होता है कि आपको, मान लीजिए आप एक वर्कमैन हैं और आपको वेजेस मिलते हैं, तो उस वेजेस में से क्या क्या पैसा आपका माइनस किया जा सकता है या नहीं, उस पे बात होगी. तो देखिए, सेक्शन 7 का जो क्लॉज 1 है वो तो सीधा एक बात कहता है कि जो वेजेस हैं जो उसको मिलेगी, जो एक एम्प्लॉय को मिलेगी, वो बिना डिडक्शंस के मिलेगी, बट वो डिडक्शंस माइनस हो सकती है जो ऑथराइज्ड बाय द एक्ट है. ऑथराइज्ड बाय द एक्ट मतलब जो अगर पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट में लिखा है कि ये वैलिड डिडक्शन है, तो वो डिडक्शन अलाउड है. उसके बाद अगर मान लीजिए वो डिडक्शंस किस किस शक्ल में हो सकती है, वो डिडक्शन फाइन की शक्ल में हो सकती है, वो डिडक्शन आपकी एब्सेंस फ्रॉम ड्यूटी की शक्ल में हो सकती है, वो डिडक्शन आपने LIC में प्रीमियम कराया है, एम्प्लॉयर आपके बिहाफ पे प्रीमियम का पैसा भरता है तो उसका पैसा वो माइनस कर सकता है, वो डिडक्शन एम्प्लॉय ने आपको लोन दिया है उसकी रिकवरी के लिए हो सकती है, वो डिडक्शन आपको अलग फैसिलिटी मिलती है एम्प्लॉय की तरफ से उसकी लिए डिडक्शन हो सकती है, वो डिडक्शन आपको ट्रेड यूनियन की मेंबरशिप के लिए हो सकती है, वो डिडक्शन आप एम्प्लॉय ने आपका टैक्स पे किया है उसके बेसिस पे कर सकता है. तो दैट मींस कि कुछ अलग अलग किस्म की डिडक्शंस है सेक्शन 7 जिन पे बात करता है. मगर सेक्शन 7 एक लिमिटेशन भी लगाता है डिडक्शन के ऊपर. वो कहता है कि जो टोटल अमाउंट ऑफ डिडक्शन है जो आप किसी भी वेज पीरियड में कर सकते हैं, वेज पीरियड जो नॉर्मली होता है वो 1 महीना होता है, वो कभी भी आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी के केस में, अगर पेमेंट टू कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो 75% ऑफ वेजेस से ज्यादा नहीं होना चाहिए एक वेज पीरियड में. और अगर कोई दूसरे केसेस हैं, मतलब कि कोऑपरेटिव सोसाइटी के अलावा वाले जो केसेस हैं, उस केस में वो 50% से ज्यादा वेजेस की डिडक्शन नहीं होनी चाहिए. दैट मींस कि अगर मान लीजिए मैं 10,000 रुपए पर महीना कमाता हूं, तो उस केस में अगर पेमेंट टू कोऑपरेटिव सोसाइटी हो रहा है तो वह मैक्सिमम 7,500 रुपए, दैट मींस 75% तक का वेजेस माइनस कर सकता हूं किसी एक वेज पीरियड में. और अगर किसी दूसरे अन्य केसेस में मैं 50%, दैट मींस 5,000 रुपए तक माइनस कर सकता हूं किसी भी वेज पीरियड में. तो ये जो 75% की जो कंडीशन है और 50%, ये बहुत मायने रखती है. अब मान लीजिए कि एम्प्लॉयर बड़ी चलाकी से 50% से ज्यादा माइनस कर देता है वेजेस में से, तो उस केस में क्या होगा? तो सेक्शन 7 इस पे उसका जो क्लॉज 4 है वो कहता है कि अगर मान लीजिए कि उसने ज्यादा पैसा माइनस कर भी दिया तो वो रिकवरी हो जाएगी, उसकी रिकवरी हो जाएगी. दैट मींस जो मैक्सिमम डिडक्शन ऑथराइज्ड बाय द एक्ट है, एक एम्प्लॉयर के पास कैसे भी करके राइट नहीं है कि एम्प्लॉय से उस मैक्सिमम डिडक्शन की लिमिट से ज्यादा वो माइनस कर पाए. तो ये तो आपका सेक्शन 7 पे बात करता है. अब आते हैं जरा सेक्शन 8 पे, जो कहता है फाइंस के ऊपर. फाइंस का मतलब है कि किस किस किस्म के फाइन एक एम्प्लॉय पे लग सकते हैं, उस पे बात करते हैं. देखिए, सबसे पहला जो सेक्शन है वो ये कहता है कि कोई भी फाइन किसी एम्प्लॉयड पर्सन पे तब तक नहीं लगेगा जब तक अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की अप्रूवल ना हो, पहली बात. दूसरी बात कि जो एक नोटिस आपको सर्व करना पड़ेगा किसी, मतलब उस एम्प्लॉयमेंट में जहाँ पे वो एम्प्लॉय काम कर रहा है, जिसमें वो सारे एक्ट और वो सारे ओमिशंस लिखे होंगे जिनके रिगार्डिंग फाइन लगता है. तीसरी बात, अगर आप फाइन लगाना चाहते हैं तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, दैट मींस एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो सबसे पहले अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, मतलब कि एम्प्लॉय को सुनने का मौका, अपनी बात को कहने का मौका जरूर दे. अगर एम्प्लॉयर चालाकी से डायरेक्ट फाइन लगा देता है और एम्प्लॉय को नहीं सुनता, उसकी बात को ध्यान नहीं देता, उसको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड नहीं देता, तो इन दैट केस व्हाट विल बी द कंसीक्वेंस? द कंसीक्वेंस विल बी कि वो जो फाइन है वो वॉइड हो जाएगा. चौथी चीज, जो टोटल अमाउंट ऑफ फाइन है जो आप किसी भी एक वेज पीरियड, मान लीजिए 1 महीने में, किसी एम्प्लॉयड पर्सन पे लगा सकते हैं, वो मैक्सिमम, आई एम रिपीटिंग अगेन, मैक्सिमम 3% ऑफ द वेजेस होना चाहिए उस वेज पीरियड के रिगार्डिंग. दैट मींस कि अगर आप 10,000 रुपए कमाते हैं तो 10,000 का 3%, 300 रुपए आप एक वेज पीरियड में मैक्सिमम फाइन चार्ज कर सकते हैं. उसके बाद अगर मान लीजिए आपके यहाँ को एम्प्लॉय ऐसा काम कर रहा है जिसकी उम्र 15 साल से नीचे है, ध्यान रखना 14 साल से नीचे नहीं बोल रहा मैं, 14 साल से नीचे पे तो चाइल्ड लेबर का प्रोहिबिशन लग जाता है, 14 साल से ऊपर बट 15 साल से नीचे की उम्र का है तो आप उस पर फाइन लगा ही नहीं सकते. दैट मीन्स फाइन की इम्पोजिशन उस पर बैन है. उसके बाद अगर आप
फाइन लगा रहे हैं किसी एम्प्लॉयड पर्सन पे, तो बेचारा गरीब आदमी है, तो आप ऐसा करिए कि आप इंस्टॉलमेंट में पेमेंट ले लीजिए, या फिर आपने जिस दिन फाइन को इम्पोज किया वहां से 90 दिन बीतने के बाद आप फाइन को कलेक्ट करना। दैट मीन्स कि आपने फाइन आज लगाया, मान लीजिए आज है 10, आज है 16 मार्च, और 16 मार्च से 90 दिन जब एक्सपायर हो जाएंगे तब आप उसका फाइन वो कलेक्ट करेंगे। उसके बाद जिस दिन फाइन को लगाया गया है उसी दिन माना जाता है, एज्यूम किया जाता है कि फाइन उसी दिन लगा, जिस दिन आपने वो एक्ट किया है उसी दिन एज्यूम किया जाता है फाइन उस दिन लगा है। दैट मीन्स कि मान लीजिए कि ऐसा लिखा हुआ था कि अगर आपने एम्प्लॉय के एम्प्लॉयर के प्रमाइसेस में उसके फैक्ट्री में कुछ तोड़फोड़ करी, और तोड़फोड़ करने पे आपका फाइन लगेगा 1000 रुपये का, तो जिस दिन आपने तोड़फोड़ की है ना, एज्यूम किया जाएगा कि आपका फाइन उसी दिन पे लगा है। उसके बाद जो लास्ट चीज सेक्शन 8 क्लियरली स्टेट करता है, वो कहता है कि आपका एम्प्लॉयर की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो सारी फाइन और उससे रिगार्डिंग जो भी उसने रियलाइज किया, जो उसे मिला है, उसको एक रिकॉर्ड में, रजिस्टर में रिकॉर्ड करके रखना पड़ेगा, और वो उसकी जिम्मेदारी है। किसकी? एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी है, क्योंकि एम्प्लॉयर अगर फाइन लगा रहा है तो कितना फाइन लगा है, किससे कितना फाइन लिया है, ये बात भी उसको बतानी पड़ेगी। अब जरा आते हैं सेक्शन 9 पे। वो कहता है कि डिडक्शंस फ्रॉम एब्सेंस फ्रॉम ड्यूटी। अब एब्सेंस फ्रॉम ड्यूटी का मतलब कि अगर एम्प्लॉय छुट्टी पे गया हुआ है तो उस केस में कैसे डिडक्शंस माइनस करी जा सकती है। तो देखिए, अगर मान लीजिए एक एम्प्लॉय अपनी जगह पे जहाँ पे उसको काम करने आना है वहाँ पे वो नहीं काम करने आ रहा है, जहाँ पे उसको काम करना है, जहाँ पे उसकी नौकरी लगी हुई है, तो जितना टाइम वो गायब है, मान लीजिए 2 दिन से छुट्टी पर है या 3 दिन से छुट्टी पर है, तो आप उसकी 3 दिन की वेजेस को काट सकते हैं। आपके पास अधिकार है, आप मतलब कौन, एम्प्लॉयर के पास ये अधिकार है कि उसकी 3 दिन की वेजेस को काट सकता है। मगर एक चीज ध्यान रखना, जो वेजेस आप उसकी काटेंगे वो उसी वेज पीरियड की आपको डिडक्ट करनी पड़ेगी जितने वेज पीरियड में वो एब्सेंट था। दैट मींस कि अगर वो 3 दिन एब्सेंट है तो आपके पास, आप मतलब एम्प्लॉयर के पास ये अधिकार नहीं है कि वो 5 दिन की वेजेस काटे। अगर 3 दिन एब्सेंट है तो मैक्सिमम 3 दिन की ही वेजेस काट सकता है। लेकिन इसमें एक और चीज ध्यान रखना कि अगर एम्प्लॉयर ने खुद ही उसको घर पे बैठा रखा है तो एम्प्लॉयर के पास राइट नहीं है पैसा काटने का, क्योंकि एम्प्लॉयर ने जानबूझ के उसको रोका हुआ है। इसीलिए अगर एम्प्लॉय अपनी मर्जी से छुट्टी पे है, बाय हिज ऑन विल, बाय हिज ऑन कंसेंट, तब तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर एम्प्लॉयर ने उसे बिठा रखा है तब उस केस में वो डिडक्ट नहीं कर सकता वेजेस को। और एक और चीज, कभी कभी क्या होता है कि काफी सारे एम्प्लॉयज एक साथ छुट्टी पे चले जाते हैं, तो उस केस में जो एम्प्लॉयज छुट्टी पे जाते हैं तो वो बहुत सारे, काफी सारी जनसंख्या स्ट्राइक कर देती है, तो उस केस में आप कि जो डिडक्ट करेंगे वेजेस को, तो वो वेजेस मैक्सिमम 8 दिन, रेगुलर 8 दिन की वेजेस कर सकते हैं डिडक्ट। ये चीज आपके पास, आप मतलब एम्प्लॉयर के पास अधिकार है। तो ये चीजें आपकी सेक्शन 9 में लिखी है। सेक्शन 10 कहता है कि अगर आपने कोई आपके एम्प्लॉय के बिहाफ पे, एम्प्लॉय ने कोई ऐसी गलती करी है जिसकी वजह से उसकी नेगलेक्ट या उसकी डिफॉल्ट की वजह से कुछ नुकसान होता है एम्प्लॉयर को, तो जितने रुपए का नुकसान हुआ है उतने रुपए वो ले सकता है उसको उससे। लेकिन ध्यान रखना, जितने का नुकसान हुआ है, दैट मीन्स अगर मान लीजिए मैंने फैक्ट्री में, मैं एक एम्प्लॉय हूँ, मैंने फैक्ट्री में एक मशीन तोड़ दी, तो जो मशीन मैंने तोड़ी है ना, तो अगर वो मशीन 1 लाख रुपए की, तो मुझसे 1 लाख रुपए आप माइनस कर सकते हो, आप मुझसे 1 लाख से ज्यादा नहीं कर सकते। और हाँ, वो भी तब, पहले आप मुझे अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देंगे, दैट मीन्स मुझे मेरी बात कहने की का मौका देंगे, और जो आपने डिडक्शंस में से ली है वो सारे डिडक्शंस का रिकॉर्ड रखना पड़ेगा आपको, मतलब एम्प्लॉयर को। तो ये कुछ सेक्शन 10 तक बातें, आप जरा सेक्शन 11 पे चलते हैं। सेक्शन 11 बात करता है कि जो सर्विसेज किसी एम्प्लॉय को मिली है, वो एम्प्लॉयर ने अगर उसे कोई सर्विसेज दी है तो उस सर्विसेज की जो वैल्यू है, जो पैसा बनता है, वो एम्प्लॉयर उसकी एम्प्लॉय की वेजेस में से डिडक्ट कर सकता है। लेकिन उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी ये है कि एम्प्लॉय पहले उन सर्विसेज को एक्सेप्ट करे। दैट मीन्स कि मान लीजिए कि अगर मैं एक हाउस एकोमोडेशन की सर्विस दे रहा हूँ एक एम्प्लॉय को, मैं एक एम्प्लॉयर होके, तो उस केस में एम्प्लॉय की जिम्मेदारी बनती है कि पहले वो उस सर्विसेज को एक्सेप्ट करे। अगर उसने उस सर्विसेज को रिजेक्ट कर दिया तो उस जो सर्विस है उसकी डिडक्शन नहीं की जा सकती। दूसरी चीज, अगर मान लीजिए एक 5000 रुपये का मकान एक एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देता है, तो उस केस में जो डिडक्शन होगी वो 5000 रुपये की जा सकती है वेजेस में, ना कि 5500, ना कि 6000, ना कि 7000। दैट मीन्स कि जितना अमाउंट बनता है उस सर्विस का, जो अमाउंट इक्विवेलेंट टू दैट सर्विस है, उतना ही अमाउंट डिडक्ट किया जा सकता है। ये बात कहता है सेक्शन 11। अब चलते हैं सेक्शन 12 के ऊपर। 12 कहता है कि
रिकवरी ऑफ एडवांसेस कि जो एडवांस अगर मान लीजिए एम्प्लॉय को पहले ही पैसा मिल चुका है, वेजेस से पहले कुछ एडवांस मिला हुआ है, तो अगर मान लीजिए उसको वेजेस आती है तो वो वेजेस में से वो एडवांस डिडक्ट कर लिया जाएगा। इट्स अ बेसिक कॉमन सेंस कि अगर मान लीजिए आपने एम्प्लॉयर से पहले ही पैसा ले लिया है तो उस केस में अगर आपको आपकी सैलरी आती है तो वो सैलरी में से पहला पुराना पैसा जो उधार का है वो चुका दिया जाता है। तो सेक्शन 12 इस पर बात करता है। सेक्शन 12 ए भी इसी के ऊपर बात करता है। वो कहता है कि अगर एम्प्लॉय ने कोई लोन लिया है तो वो लोन भी डिडक्ट किया जा सकता है। सेक्शन 13 कहता है कि अगर पेमेंट इंश्योरेंस स्कीम के अंदर एम्प्लॉयर ने करी है तो उसका भी डिडक्शन करने का अधिकार उसके पास है। अब आते हैं सेक्शन 13 ए पे, जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि हर कानून में, चाहे वो लेबर लॉ का कोई सा भी कानून हो, वो कानून में मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर एंड रिकॉर्ड का जो प्रोविजन है वो रहता ही है, चाहे वो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट हो, चाहे वो मिनिमम वेजेस हो, पेमेंट ऑफ वेजेस हो, फैक्ट्रीज एक्ट हो, ये जो सेक्शन है ये हर जगह आपको मिलेगा। ये कहता है कि ये एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी बनती है कि वो रजिस्टर्स मेंटेन करे जिसमें वो सारे पर्टिकुलर मेंशन करे कि कौन सा एम्प्लॉय उसके अंडर काम करता है, वो क्या काम करता है, उसको हम कितना वेजेस देते हैं, हम उसके वेजेस में से क्या क्या डिडक्ट करते हैं। तो दैट मीन्स चार चीज़ें हो गई, कौन काम करता है, क्या काम करता है, कितनी सैलरी लेता है और उसकी सैलरी में से क्या क्या माइनस किया जाता है, और दूसरी चीज कि जो भी रजिस्टर एक एम्प्लॉयर मेंटेन करता है सेक्शन 13 ए, वो रजिस्टर उसे कम से कम 3 साल तक रखना पड़ता है फ्रॉम द डेट ऑफ लास्ट एंट्री। दैट मींस कि अगर आखिरी एंट्री जो उस रजिस्टर में मान लीजिए फरवरी 2018 में करी गई है तो उसको फरवरी 2021 तक उस रजिस्टर के रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना पड़ेगा। अब जरा चलते हैं सेक्शन 14 पे जो कहता है इंस्पेक्टर के ऊपर। आप इंस्पेक्टर के ऊपर मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि सेम पावर्स मैंने आपको मिनिमम वेजेस एक्ट में बताई थी इंस्पेक्टर की। आप मेरी प्लीज़ वो वीडियो जाके देख लें, आपको इंस्पेक्टर की पावर पता चल जाएगी। बट मैं फिर भी बता देता हूँ कि इंस्पेक्टर की जो कुछ बेसिक पावर्स होती है कि वो एम्प्लॉयर की साइट विजिट कर सकता है, वहाँ पे रजिस्टर्स रिकॉर्ड्स को देख सकता है, उसको अगर कुछ सस्पिशन लगता है कि कुछ गड़बड़ है तो वो वहाँ की एम्प्लॉय से बात कर सकता है, वहाँ के पुराने रिकॉर्ड्स को चेक कर सकता है। लेकिन उसकी कुछ ड्यूटीज़ भी हैं कि वो रीजनेबल आवर वर्किंग आवर में ही जा सकता, 9 to 5 में ही जा सकता, वो आधी रात को नहीं पहुंच जा सकता इंस्पेक्टर जांच करने के लिए, वो सुबह सुबह 5 बजे नहीं जा सकता। तो ये कुछ बेसिक प्रोविजंस हैं। उसके बाद सेक्शन 14 ए कि हर एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी बनती है कि वो इंस्पेक्टर को रीजनेबल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करे जिससे उसकी इंस्पेक्शन में आसानी हो। अब सेक्शन 15 पे बात करते हैं, वो है कि जो क्लेम्स है ना आपकी, जो आपने मान लीजिए आपका वेजेस डिडक्ट किया गया है या फिर आपको पेमेंट ऑफ वेजेस में डिले हो गया, तो उस केस में जो क्लेम है वो क्लेम किस किस को किया जा सकता है। तो सबसे पहला जो सेक्शन 15 में बात है वो कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट किसी भी कमिश्नर को अपॉइंट कर सकती है वर्कमैन कंपनसेशन के लिए, किसी भी ऑफिसर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट को अपॉइंट कर सकती है जो रीजनल लेबर कमिश्नर या असिस्टेंट लेबर कमिश्नर के लेवल का होगा, या फिर किसी स्टेट गवर्नमेंट में भी किसी ऑफिसर को अपॉइंट किया जा सकता है जो कि लेबर कमिश्नर की रैंक से नीचे नहीं होना चाहिए, या फिर आप लेबर कोर्ट का एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर अपॉइंट कर सकती है, या फिर एक सिविल कोर्ट का जज अपॉइंट कर सकती है। मतलब जो क्लेम का मैटर होता है ना, वेजेस के क्लेम का, इनके लिए इनमें से कोई ऑफिसर अपॉइंट करा जा सकता है जिसका काम सिर्फ एक होगा, टू हियर एंड टू डिसाइड ऑल द क्लेम्स रिगार्डिंग द पेमेंट ऑफ वेजेस रिगार्डिंग द डिडक्शंस, ये इसका काम है। ध्यान रखना कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की बहुत वाइड एम्बिट में पावर है, वो चाहे तो रीजनल कमिश्नर भी अपॉइंट कर दे, वो चाहे तो सिविल जज भी साथ में अपॉइंट कर दे। दैट मीन्स कि द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट हैज द पावर टू अपॉइंट मोर देन वन अथॉरिटी। अब आगे बात करते हैं कि मान लीजिए आपको आपकी सैलरी में से कुछ डिडक्शंस आपकी वेजेस में से कुछ गलत डिडक्शंस कर दी गई, तो उस केस में जब वो गलत डिडक्शन हुई है आपको उस दिन से 12 महीने के अंदर उस डिडक्शन के खिलाफ एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी। ध्यान रखना 12 महीने का टाइम है। दैट मीन्स मान लीजिए फरवरी 18 में मेरी वेजेस में से अननेसेसरी मेरे साथ बेईमानी करी गई, एम्प्लॉयर ने मेरी वेजेस में से अननेसेसरी डिडक्शन कर लिया, तो उस केस में मेरे पास क्या राइट है कि फरवरी 2018 से लेकर अगले 12 महीने दैट मीन्स फरवरी 2019 तक मैं कभी भी एप्लीकेशन लगा सकता हूँ टू लेबर कोर्ट या फिर जो भी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने ऑफिसर को अपॉइंट किया हो उसके पास। हालांकि उस ऑफिसर के पास पावर है कि वो 12 महीने के बाद भी आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर लेगा, लेकिन उसके लिए आपको कोई सफिशिएंट कॉज देना पड़ेगा। अब बात आती है कि मान लीजिए कि अगर अगर आपको आपने मांगा कि हमें कंपेंसेशन चाहिए, तो कंपेंसेशन का डायरेक्शन कौन दे सकता है? तो कंपेंसेशन का डायरेक्शन जो आप पेमेंट ऑफ कंपेंसेशन आपको तब तक नहीं मिलेगी जब तक वो जो अथॉरिटी है जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अपॉइंट की है
वो ये ना सेटिस्फाई हो जाए कि वो जो वहाँ पे जो बोनाफाइड एरर है या फिर कोई बोनाफाइड डिस्प्यूट है या फिर कोई ऑक्यूरेंस ऑफ इमरजेंसी हो गई थी, तो इस केस इसके अलावा आपको अगर अथॉरिटी सेटिस्फाई नहीं है कि जो डिले हुआ है पेमेंट करने में वो इसकी वजह से हुआ है, तो उस केस में कंपनसेशन आपको नहीं मिल सकता। उसके बाद अगर मान लीजिए आपकी अथॉरिटी जो एप्लीकेशन सुन रही थी उसको लगता है कि आपने जो एप्लीकेशन दी है वो आपने जानबूझ के एम्प्लॉयर को फंसाने के लिए दी है, मतलब आपने बैड इंटेंशन से मैलिशियस इंटेंशन से वो एप्लीकेशन लगाई है, तो उस केस में वो आप पे फाइन भी कर सकती है, पेनल्टी लगा सकती है, और वो पेनल्टी 375 रुपीज़ की होगी जो आपको एम्प्लॉयर को पे करनी पड़ेगी। तो ये चीज़ ध्यान रखने वाली है। उसके बाद अगर कोई भी डिस्प्यूट जो मतलब हुआ है तो उस केस में जो अथॉरिटी का जो डिसीजन होगा वो फाइनल डिसीजन होगा, एक चीज़ ध्यान रखना। उसके बाद जो भी अगर इस सेक्शन में इंक्वायरी हो रही है वो जुडिशियल प्रोसीडिंग कहलाएगी। जुडिशियल प्रोसीडिंग मतलब जो कोर्ट की प्रोसीडिंग होती है वो सारी वो कोर्ट प्रोसीडिंग्स कहलाएगी। जैसे जैसे कोर्ट में काम होता है वैसे ही यहाँ पे भी काम होगा, कुछ अलग तरीके से काम नहीं होगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस मैंने आपको बताए। इसके अलावा मैं सेक्शन 6 हल्का सा मेंशन कर देता हूँ कि सेक्शन 6 कहता है कि अगर मान लीजिए हर बंदा इंडिविजुअली जाके अपनी दुहाई लगाए, इससे बढ़िया 10 लोग 12 लोग जिनकी एक ही तरीके की प्रॉब्लम है तो वो एक सिंगल एप्लीकेशन से काम चला लें, तो ये उसके बारे में कहता है। उसके बाद सेक्शन 17 कहता है कि जो आपका ऑर्डर है जो अथॉरिटी का उसको अपील किया जा सकता है उसके खिलाफ, तो वो अपील के रिगार्डिंग का सेक्शन है। लेकिन ध्यान रखना कि वो अपील तब तक आपका लाई नहीं करेगा जब तक आपकी जो अथॉरिटी है उसके द्वारा आपको एक सर्टिफिकेट ना मिल जाए कि आपने जो जो इस अपील का जो अमाउंट पे करना था वो आपने अमाउंट पे कर दिया है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, जो अपील का अमाउंट है वो अगर आपने पे नहीं किया है तो आपको अथॉरिटी सर्टिफिकेट जो है वो अथॉरिटी इशू नहीं करती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस थे आपके, आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। तो बने रहिए मेरे साथ और मैं अब और वीडियोस लेबर लॉ पे बहुत जल्दी लेके आऊँगा। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम टू मी। थैंक यू वेरी मच।